पहले तो मैं जीत गया जो मैं सोच सोच के हमेशा से आया था. It's not Oyo, come on. मैं अपने आप को शेर मानता हूँ तो मतलब हूँ, चाहे दुनिया मेरे को कुछ भी बोले. कहीं ना कहीं सचिन के साथ भी चल रहा था और कहीं ना कहीं दिग्विजय भी ट्राई कर रहा था. पूरी पीपल आर सेइंग कि वाशु ने ऐसा नहीं किया एंड दैट्स व्हाई ही रीच्ड द ट्रक पहले. हाँ. वाशु ने आशिकार डेटिंग हिमांशु फेक दोगला तो मतलब इसके पास रहता हो तो हैप्पीनेस आती है, खुश रहता हूँ पूरे टाइम. कॉल मैं काम पे रहती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, कॉल क्या करी क्या, मैं बोली रुक जा. लाइट मैन, पानी वाले भैया, खाने वाले भैया, रसगुल्ला खिलाने वाले भैया, वो तक चिल्ला रहे खड़े हो जा. मैं शिवेत की वजह से हारे थे हम. रिजल्ट्स अनफेयर थे मुझे लगा था. टिकट टू फिनाले channel. Today we have very special guests with us. We have Ashika from Roadies and our Roadies Kalmya Khan winner Vashu Chelle. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Lekin mujhe paise nahi mile. Acha wo mil jayegi, time lagta hai. So Vashu, kaisa lag raha hai after winning the season? I think your journey has been very inspiring throughout, from being considered as like an underdog or somebody who was not performing so nice in the beginning and then completely killing it at the end. How does it feel? Like pehle to bahut hi amazing feeling, bahut hi phenomenal feeling hai ki pehle to main jeet gaya jo main soch soch ke hamesha se aaya tha. Jab main Roadies pehli baar dekha tha tab se socha tha ki agar Roadies mein jaunga to sirf jeetna hai. Kuch aur second thought tha hi nahi. Ha kya bola? नहीं, तुमने कुछ तो बोला. मेरी ट्रॉफी लेके गया. कोई बात नहीं, घर ही आई है ट्रॉफी. घर ही आई है ट्रॉफी, एक ही बात है. सो स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा था, जब मेरे पीआई हुआ था तो पीआई के बाद सबको लग रहा था जर्नी के पहले कि जितनी भी गौतम सर की गैंग थी उनका सीन ऐसा था कि भाई एक बंदा आया है वाशु नाम का, उसको सबसे पहले निकालना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. हाँ, ऐसा कुछ हाइप बनी हुई थी कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही है. तो कुछ लोग के सामने ऐसा था कि स्टार्टिंग में जर्नी में बहुत ऐसा होके गया था कि सबके लिए बहुत बड़ा परफॉर्मर हूँ कि आएगा फाड़ते जाएगा फाड़ते जाएगा सबको ऐसे ऐसे. बट मेरे साथ ही उल्टा हो गया स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि एक टॉप टाइगर जाएगा फटेगा, फुस हो गया और सुखली बम भी नहीं बना. वो बात अलग है, टॉप टाइगर कोई और बन गया उस टाइम. Why was it happening? Like मैंने भी आपकी वीडियोस में से कई बार सुना है आपको भी बोलते हुए कि जैसे ही मैं रिया मैम की गैंग में आया, I started feeling less pressurized on doing tasks. But I think you are physically तो capable of doing everything. कभी मैंने ये नहीं सोचा था रोडीज में कि जाऊँगा तो फर्स्ट पहला ही टास्क हार जाऊँगा. इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा वो हो गया, शिट आते साथ क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, पहला टास्क हार गए. अब उस जगह कहीं ना कहीं मैं अपनी गलती नहीं मानता उस टास्क में आज भी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो टेक्निकल गलती जो ब्लेड टूट गई. बट मेरी भी एक गलती कि मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाया. बट ये चीज़ मैंने पूछा था पहले कि ब्लेड को टाइट से करूँगा तो टूटेगी तो नहीं. बोलते हैं कैसे टूटेगी, स्टील की ब्लेड है. अब मैं बोला ठीक है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से गया, मैंने मारी ब्लेड टूट गई, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया. अब उसके बाद के जो एक दो और टास्क आते गए तो कहीं ना कहीं ग्रुप में जो सेकेंड टास्क जो इसने किया था, जो शिवेत की वजह से हारे थे हम, क्योंकि शिवेत ने गलती कर दी पबजी वाले टास्क में. अब उसके बाद फिर लगा अब दोनों भाई की कैटेगरी में आ गए हम दोनों. तो अगले टास्क आते गए तो उस टाइम ऐसा कि भाई ये टास्क जीत के रहना है, ये टास्क अब और हारना नहीं, अब और हारना. ये नहीं सोचते थे कि अब जीतना है, हम ये सोचते थे अब और हारना नहीं है. तो हमारा गोल ही चेंज हो गया था उस टाइम तक. तो उस चक्कर में थोड़ा प्रेशर और बढ़ा, फिर एक और टास्क हारे. उसके बाद तो जो गाली हमने सुन ली थी कि वाशु शिवे भलता मत किया करो, तो जब भलता ना किया, वो जो उस दिन गाली पड़ी है ना, वो गाली के बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था कि आप अगर टास्क हारे तो गाली सुनते रहो. तो उसके बाद से जब हम टेंट में आते थे तो ये एक दिन हुआ क्या, हम सारे टेंट में बैठे हैं और नेक्स्ट डे वो टास्क है, हम रात को डिस्कस चलो कल टास्क है गाइस, कल फिर से हार के आएंगे. ये हमारी बेचारी यही बोलती थी, गाइस कल हम हारने के लिए रेडी है. ये आया भी है, ये क्लिप भी आई है कि हम हारने के लिए रेडी है, कल से हमें हारना है फिर से. तो मोटिवेशन पूरा डाउन. आशिका, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू एज वेल, कि बाकी
गैंग शायद परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसने तो हमें कंधे पे लाया है। ऐसी बात नहीं है, द थिंग वाज ना, आई विल टेल यू, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि हम बैक टू बैक हार रहे और फिर हमें आदत हो गई हारने की। मतलब हम टेंट में आके पहले दो टास्क में ऐसा कि टेंट में आके हम कोई खाना नहीं खा रहे, सैड बैठे यार क्या। फोर्थ फिफ्थ टास्क में हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे, अबे तूने ये किया उसकी वजह से हारे, अरे तूने ये किया उसकी वजह से, तो वो एक आदत हो गई थी। फिर मैंने उनको बोला कि गाइस कल से ना हम जब भी मॉर्निंग उठेंगे ना, पांच बार बोलेंगे कि हम ये टास्क जीतने वाले हैं, हम ये फाड़ने वाले हैं, कोई नेगेटिव थॉट लाएगा नहीं कि हम हार तो नहीं जाएंगे ना, हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे। और फिर उसके बाद हम जीते, उसके बाद हम जीतने लग गए, उसके बाद सारे टास्क जीते, उसके बाद जीते ही है सर। बट ये लोग ने कभी मेरी तारीफ नहीं की है कि मैंने कहीं ना कहीं गैंग को संभाला है, इतना बोल दिया कि हमको कंधे पे लेके आए, इससे बड़ी तारीफ और क्या है। वो थोड़ा टॉन्ट में बोलते हैं बताइए लोग। और अभी एक बात हुआ था, मुझे आज ही आया था कि आप सबसे पहला किसको देखते हो, ठीक है, वाशु को क्वेश्चन किया, क्या देखते हो आप पूरे गैंग में से, एक फुली फालतू का सेगमेंट आया था, नंबर 1 किसको रखते हो, तो वाशु इज लाइक मैं खुद को रखता हूं, व्हिच इज वेरी गुड। फिर उसको क्वेश्चन किया आप लास्ट में किसको रखते हो, ही टुक माय नेम, मेरे साथ साथ शिवी ने भी इसी का नाम लिया, शिवी का छोड़ बट यू टुक माय नेम, हां ऑफ कोर्स लास्ट, क्योंकि उस टाइम ये हमारी गैंग की सगी नहीं थी ना। एक टाइम में लोग ये बोलते कि नहीं आशिका ने लाया, और एक टाइम पे बोले नहीं हम लास्ट, बहुत होता है ब्रो, लाइक इवन व्हेन वी वुड वॉच आवर फुली फालतू सेगमेंट्स विद पीपल हु वर सिटिंग विद अस, आई एम लाइक तू क्या कर रहे हो, तुम एक उस वक्त क्या बोल रहे थे, एंड देन वी वुड स्टार्ट फाइटिंग अबाउट समथिंग दैट दे हैड सेड 3 मंथ्स अगो, इसे यही समझाया वो 3-4 महीने पुरानी बात थी, या बट इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगेट समटाइम्स। समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द फिनाले वाला टास्क, मतलब मुझे तो पर्सनली लगा कि सेमीफिनाले वाला टास्क वाज लाइक वे बेटर देन फिनाले। एंड एक जो चीज जिसके बारे में मैं और जस्टिन बात कर रहे थे व्हाइल वी वर वाचिंग आल्सो, वी वर लाइक कि ऐसे तीर छोड़ा है जब, तो वो इतना फनी लग रहा है कि वहाँ पे छोटी सी आग लग गई है, मतलब कुछ वो कुछ होना चाहिए था यार, मतलब फिनाले वाला टास्क है राइट। बट लाइक टॉकिंग अबाउट द टास्क, आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स जहाँ पे, मतलब मुझे उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता, बट लोग बोल रहे थे कि फ्लैग्स निकाल के शायद वहाँ पे लगाने थे, या वो क्या सिनेरियो है, पीपल आर सेइंग कि वाशु ने ऐसा नहीं किया एंड दैट्स व्हाई ही रीच्ड द ट्रक पहले। लाइक रूल ये बताया गया था कि फ्लैग कैरेबिना खोल के ट्रक के ऊपर चढ़ना है, कुछ लगा रहे थे कि क्या ये कंफ्यूजन है। अब एक्चुअली पता है हुआ क्या, तीनों को एक साथ खोले, इन्होंने रस्सी खोलने में भी टाइम लिया, पहले एक रस्सी खोली फिर दूसरी खोली, फिर शिवी ने पैर की रस्सी नहीं खोली, शिवी ने पैर की रस्सी पहले कैरेबिना निकालने लग गया, मैंने क्या किया पहले एक एक नॉट दोनों की खोली, फिर दोनों हाथ से फट से मैंने खोली, क्योंकि सेकंड जो नॉट है एक नॉट तो ऐसे खुल जाएगी खींचने में। मैंने फिगर आउट किया कैरेबिना के दो साइड होते हैं, एक बड़ा साइड एक छोटा साइड, तो इन लोगों ने गलती क्या की, जब टीवी में दिख रहा है तो छोटे साइड को में रस्सी को फंसा रहा है, तो उस साइड से कैरेबिना खुलता नहीं है, बड़े साइड से खुलता है, और ऐसे करके स्लाइड करके कैरेबिना एक बार है, तो फर्स्ट कैरेबिना मैंने ये चीज फिगर आउट कर लिया, बाकी चारों बहुत फटाफट खुल गए इस चक्कर। वी वुड हैव लव्ड टू सी यू इन द फिनाले एज़ वेल, सो मी आशिका, सो मी, हु डू यू थिंक हैज टेकन योर प्लेस इन द फिनाले, हु किसकी जगह पे आप नहीं यार, तीनों बहुत तगड़े थे। आई फील कहीं ना कहीं हिमांशु, अगर मैं सेमीफिनाले में होती तो आई वुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि इससे हाइड्रोफोबिया नहीं है, सो द क्लाइंबिंग ऑल द थिंग्स ये मैं करती हूँ, सो व्हाट आई फील कि मैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाती, और ज़्यादा आई फील मैं ज़्यादा फास्ट भी कर पाती कहीं ना कहीं, अगर पाँचों में से देखा जाए तो आई फील हिमांशु। ये बस गई है घर क्योंकि इसने अपने ही खिलाफ प्लॉटिंग करवा ली थी, मेरे खिलाफ, हाँ नहीं यार मेरे खिलाफ, क्योंकि किसी और बंदे ने ऐसी पिच रख दी कि इसकी पिच उसके सामने फेल हो गई। एक्सप्लेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड। हिमांशु ने एक ऐसी पिच रख दी, दोनों ने पिच दोनों ने किया कि हम दोनों का नाम मत लेना, हम दोनों तेरा नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसने सुनी किसकी, हिमांशु की, इसकी नहीं सुनी। कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई तो मेरी दोस्त है एंड देन हम दोनों पिच रख रहे हैं, बट देन शी इज क्लोज टू मी, तो ऑफकोर्स एट द एंड वो मुझे बचाएगी, तो काइंड ऑफ ऐसे हो गया। मुझे बस इतना बुरा लगा कि मैंने उसको वर्ड दिया था लाइक सचिन को कि मैं तुझे नहीं करूँगी, एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंड, सचिन वाज रेडी टू वोट आउट तनु एट दैट मोमेंट, सो आई वाज लाइक कि तूने अभी फिर तनु का नाम क्यों नहीं लिया,
अगर कुछ क्यू कार्ड में नाम लिखना होता तो वो तनु का नाम लिखने को रेडी था. ही वाज लाइक कि हम तनु को वोट आउट करेंगे अगर डबल वोट आउट हुआ तो. तो तभी क्यों नहीं किया उसने. सो आई एम लाइक कि तुझे बस कैमरे के सामने अच्छा दिखना है या गैंग लीडर्स के सामने अच्छा दिखना है एट दैट मोमेंट. क्योंकि घर जाके तो सबको पता लगने वाला है कि किसने किसका नाम लिखा है. बट एट दैट मोमेंट उसको अच्छा दिखना था इसके लिए उसने मुझे. But then there is something like that. You also said you will not vote for Tanu, but you did something. Yeah. So the thing, usme bhi the thing was, main internal dal nahi pa rahi thi, kyunki nahi dal sakti thi, kyunki of course I can't do that. Sachin ko maine words de diya tha ki main tujhe nahi dalne wali, aur mere paas bacha hi kaun? Koi tha hi nahi ki jisko main vote dalun. Kya? Sab safe thing. Ab main bata raha hu. Immune tha, Rishabh immune tha, Prakram immune tha. सचिन को मैंने दिया था वर्ड कि मैं करूंगी ही नहीं, कुछ भी हो मैं करूंगी नहीं. ओके. बचा हिमांशु जिसको मैं नहीं कर सकती, प्रियंका जिसको नहीं कर सकती, शिवित ऑफ कोर्स नहीं, तो सिर्फ तनु बची थी. तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो मैं वो मोमेंट में क्या करूंगा. सो वो अब देखो गाइस लॉजिकली होता क्या है, जब आप एक गैंग को लेके चलते हो तो आप गैंग के साथ अगर वोट करोगे ना तो आप बच सकते हो. अब हुआ क्या, ये और हिमांशु को वोट नहीं डालना है सचिन को, और लेकिन गैंग के जो बाकी दो बंदे वो सचिन को वोट डालने के लिए रेडी है, श्वेत एंड प्रियंका. तो इनका अलग बॉन्ड चल रहा है कि नहीं हम नहीं डालेंगे सचिन को वोट. तो अगर ये चारों कायदे से सचिन को वोट डालते, एक वोट मेरा आता, सचिन बाहर होता. सचिन सबसे पहले नाम किसका लिखता, प्रियंका का. प्रियंका बाहर होती, प्रियंका किसका नाम लिखती, इधर हिमांशु इधर तनु. अब सपोज तनु लिखती तो तनु किसका नाम लिखती, हिमांशु. एट द एंड बचती है. और अगर मान लो प्रियंका इंटरनल के लिए हिमांशु का नाम लिख देती, हिमांशु किसका लिखता, तनु का. यू वुड हैव रिमेंड. हाँ तो कहीं ना कहीं ये चीज है, जब शिवेद बोल रहा है कि भाई मत करो पिच, कोई जरूरत नहीं पिच करने की, तो क्यों. नो नहीं नहीं, मैं जाके पिच नहीं किया. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. सचिन आया था लाइक कि आप मत वोट आउट करना, एंड देन ये, और फिर वो जिस तरीके से आया एंड आई फेल्ट कि ही वाज लाइक कि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक. तुमने भी करी थी मेहनत. हाँ बाबा, तो कहाँ पर. मुझे ऐसा लगा कि ही वाज जेन्युइन और वो नहीं डालेगा वो. तो आई एम लाइक तू वर्ड दे रहा है कि तू नहीं डालने वाला. ही इज़ लाइक ओके मैं नहीं डालूंगा तुझे, आई प्रोमिस. तो मैंने वो टाइम पर दे दिया वर्ड, ठीक है चल मेरा वोट नहीं आया. बस मैं वो चीज के लिए आई वाज पिस्ड कि तेरे पास ऑप्शन था, बट स्टिल यू डिडंट नो. टेल मी दिस, हाउ डिड योर इक्वेशन विद हिमांशु इवॉल्व थ्रू आउट द शो बिट, बिकॉज़ इन द बिगिनिंग इट वाज शोन लाइक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू टू. तो फाइनल तक आते आते यू गाइस वर नॉट टॉकिंग और समथिंग, हू मी एंड हिमांशु, वी वर, यू गाइस वर. एंड आफ्टर द शो, आफ्टर द शो भी हमारा बात होता था. बीच में ऐसा कुछ तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बोल सकते थे कि नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम एक दूसरे से. हमने डिसाइड किया कि लाइक लेट्स नॉट टॉक. बट ट्विटर पे तो ऐसा कुछ हैशटैग वाशिका ट्रेंड हो रहा है. अरे दैट व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू, द श्वेत ना वो हमेशा मस्ती करता है भाई. श्वेत के चक्कर में हुआ जो हुआ है श्वेत. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. लाइक एक दिन ऐसे ही श्वेत लाइव पे बैठा था और वो हमेशा बकचोदी करता है हमेशा. मतलब उसको वो ऐसा, मतलब उसको समझता नहीं है कि भाई वो मजाक कर रहा है, बट ऑडियंस दे आर नॉट टेकिंग एज अ जोक. और हमें पता है कि शिवित मजाक कर रहा है, तो हम भी चिल में रहते हैं कि तू कर यार मजाक कर, बिकॉज वी नो एग्जैक्टली. सो वो ऐसे ही बैठा था एक दिन लाइव में, एंड देन वाशु कहाँ से तो आया, आई डोंट नो कहाँ से आया, और शिवित ने ऐसे बोल दिया कि अरे मेरा ब्लॉग जाके देखो. और उसमें ब्लॉग में भी ऐसा थोड़ा हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो वाशु ने मेरा हाथ पकड़ा था और मैं फ़ोन में थी, क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी, तो उसने हाथ पकड़ के रोड क्रॉस किया. तो उसने ऐसे ब्लॉग में बोला कि ये देखो ये कपल, न्यू कपल, ऐसा उसने वो डाल दिया ब्लॉग में. और तब मैंने शिवित को बोला कि शिवित डोंट डू दिस, क्योंकि उसके पहले उसने बोल दिया है अपने लाइव में आके कि वाशु ने आशिका डेटिंग. एंड नो गाइस हम डेट नहीं कर रहे हैं अभी. तो और पसंद है बट मैं उसका नाम नहीं ले सकती. मुझे पसंद है मेरी माँ. तो व्हाट हैपेंड, तभी शिवित ने लाइव में बोल दिया कि वाशु के नेक पे हिक्की है, वो ऐसा कुछ तो बोल दिया. कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, उसने बस बोल दिया. और सर दिखाया नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, दिखा नहीं दिखाया.
तो फिर वो हिमांशु ने बहुत सीरियसली ले लिया. आई मीन लाइक हिमांशु, तूने देखा वाशु के नेक पे कुछ था भी या नहीं? तूने एक बार शिवित को कॉल करके पूछा भी कि भाई तू सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा? और एक्चुअली शिवित ने लाइव में आगे ये भी बोला था, गाइस ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ. एग्जैक्टली, तो क्लैरिफाई नहीं किया. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. लाइव पूरा दिखाया ही नहीं है, वो जो उतने जो क्लिप है ना उतना ही कट करके किसी ने तो डाल बना दिया. सो उसके आगे शिवित ने ये भी बोला है लाइव में कि गाइस आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ. दे कट दैट पार्ट, बट वो कट कर दिया बिकॉज दे वांट कंटेंट. तो उतना ही करके वो लोग ने डाल दिया लाइव इंस्टा पे. तो आई वॉज लाइक कि हिमांशु अगर तुझे डाउट भी आया एक बार तो शिवित को पूछ लेता कि भाई ये सच है क्या झूठ है, वो तो तुझसे झूठ नहीं बोलेगा. या तू एक बार पूछ लेता भाई कौन सी है बता. नो नथिंग. तो उसने जज कर लिया वो चीज़. आई एम लाइक दैट्स व्हाई ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग. और फिर वो वाशिका ट्रेंड हो गया. तो मैंने एक ऐसी बस पोस्ट डाल दिया था कि दोस्ती ही प्यार है और मैंने वाशिका डाल दिया था. तो अच्छा तूने ही डाला था हैशटैग वाशिका? हाँ, तो यही से निकला है गाइस. तो मैंने एक रैंडमली डाल दिया बट वो भी इतना बड़ा. आपने बैठ के सोचा होगा हैशटैग के बारे में ना? किसके? अरे वो तो हर जगह चल रहा था. इसे ही पता होगा इसने क्या क्या नहीं सोचा है. नहीं नहीं, बहुत चल रहा था वो टाइम. तो मैंने बस इसे डाली क्योंकि क्यूट लग रहा था. फोटो भी बहुत क्यूट आया था, सेल्फी था तो बहुत क्यूट था. अच्छा, इफ यू ऑल गेट टू गो टू स्प्लिट्स वाला वुड यू? हां, आई विल गो सेल्फी. आई गो, आई गो. मुझे किसके साथ? मुझे जो मुझे जो मिल जाए, नॉट जो मिल जाए बट मुझे एक्चुअल जिससे कनेक्ट फील हो. बट मैं इन रोडीज में सिर्फ भाई किसी के साथ नहीं. आई एम सो पिस्ड, आई एम सो सो पिस्ड. नहीं लेजिट, मतलब मुझे अगर अगर मुझे मैं तो अकेला जाऊंगा. बढ़िया यार, सिंगल सिंगल बढ़िया. जितनी लड़कियां होंगी 10 होगी तो 10 से बात करूंगा मैं. दो सेट होगी तो दोनों का सेट करूंगा. साक्षी आप चल रहे स्पीड से? यार मैं तो ऑलरेडी सेट हो गई. फिर से चल लो. So pissed with the roadies ka thing. I'm like, मैं मुझे नहीं जाना है, मुझे सिंगल जाना है. अंदर जाके मैं कनेक्शन बना लूंगी. और कौन से कुछ कनेक्शंस थे हमारे सीजन में रोडीज के सीजन में? सबसे पहले वो रोडीज विला बना था, रोडीज नहीं बना था. I'll tell you इसका भी रीजन व्हाट हैपेंड. जब आप एक ही टेंट में रहते हो. बीन देयर. हां नहीं नहीं, हर साल हर सीजन रहते हैं लोग टेंट में ही रहते हैं, लेकिन विला नहीं बनता है वो. ऐसा नहीं, वो ओयो नहीं बनता है. इट्स नॉट ओयो, कम ऑन, बुलशिट. इस साल का रोडीज ओयो बन गया था स्टार्टिंग में. देन धीरे-धीरे कनेक्शन ब्रेक हुए हैं लोगों के, लोग घर गए हैं तो ठीक हो रहा था थोड़ा सा. आई ओनली नो शिवेत एंड नायरा. आई थिंक सब ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कनेक्शन बनाने की. सब ने, हाँ सब ने. मतलब कोई रोडीज खेलने नहीं आया था, स्प्लिट्सविला खेलने आया था रोडीज में कि हम यहाँ स्प्लिट्सविला का कंटेंट देंगे. हमें अगले दिन फोन आएगा, हेलो हाँ मैं डेबी मैम बोल रही हूँ. ओके, यू आर कमिंग फॉर स्प्लिट्स. ओके वाओ, क्या बिग बॉस चालू है रोडीज के बाहर. अब शो के बाहर हुआ क्या? जैसे एक टास्क पहला एपिसोड आउट हुआ, लोगों ने अपना अपना कॉन्टेंट डाला कि हम जीते हम हारे. सेकेंड दो तीन और वो आए एपिसोड, उसके बाद फिर उन्होंने अगेंस्ट मेरी डालने लग गया कि इस बंदे को दिखा दो कितना खराब कर रहा है, उसके अपना दिखा दो कितना अच्छा कर रहा है. ये नहीं कि अपना दिखाओ कि बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना चालू कर दिया. वहाँ से फिर आगे चल के और बंदे चिढ़ गए. अब फिर किसी बंदे ने, कुछ बंदों ने गैंग लीडर्स के अगेंस्ट रील डालना चालू कर दी कि फियर नो वन बट गॉड, और एक फोटो लगा दो गैंग लीडर की. सचिन, तो उसने ऐसा स्टार्ट किया. वहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी उठ गई वाली. तो वहाँ से सब भड़क गया कि शिवित भी भड़क गया, मेरे गैंग लीडर के बारे में कैसे बोला, प्रिंस भाई के बारे में कैसे बोला. अब मुझे भी लगा प्रिंस भाई के बारे में कैसे कर सकता है. अब ऋषभ ने उसको बढ़ावा दिया उस चीज़ का कि भाई तू कर, तू डर गया, तू डर किससे रहा है, तू तो बड़ा फियरलेस है, तू डर किससे रहा है. तो उसने भी चढ़ा दिया. अब सचिन दो तीन रील और डालने लग गया. अब धीरे धीरे ये रील वॉल चलते गया चलते गया. और एट दी एंड अब स्टेप आया कि जब गैंग स्वैप हो गए तब उसके बाद से ऋषभ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फंस गया कि उसको बहुत ज़्यादा हेटरेट मिल चुकी थी उस टाइम. क्योंकि ऑफकोर्स प्रिंस भाई की ऑडियंस जो है, प्रिंस भाई के जो फैंस है, उसके सामने तो रोडीज में कि किसी की भी नहीं चलने वाली रोडीज में. मतलब कहीं ना कहीं प्रिंस भाई के फैंस से भी और आम जनता से भी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो चुके थे उस पॉइंट तक. क्योंकि रोडीज में उसको एक टैग मिल गया था क्राई बेबी का, जो स्टार्टिंग में
like, मुझे रॉन्ग तो नहीं लगा बट कुछ कुछ जगह थी कि जहाँ बना ये रोडीज है थोड़ी बहुत चोटें लगती है. अब वही जिस टास्क में ये क्राइबी वाला पॉइंट करा उस टास्क में सेम अगर क्लियर किसी से पूछोगे ना कि सबसे खराब चोट वहाँ किसको लगी है क्लियर दिख रहा है मुझे लगे कि मैं गिर गया था सीधा वहाँ पर और मेरे कमर में लगी थी बट मैंने उस चीज़ का वो ओन अप नहीं किया वहाँ पर कि टास्क कर लो यार लगती रहती है उस चीज़ का. वहाँ उन्होंने ऑन द स्पॉट इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया ना जो बाहर आके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा गया शो पे. अब शो के बाहर आके उस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कि हम सही है तुम गलत हो. अब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे इंस्टाग्राम की 1 लाख की ऑडियंस ये देख रही है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन जो टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा जो इंस्टाग्राम नहीं वो भी देख रहे उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुम कैसे चेंज करोगे ये लोग सोच नहीं रहे. तो एज फार एज आई नो इट्स वेरी ऑब्वियस बट स्टिल आई एम गोइंग टू आस्क यू हु इज योर फेवरेट कैंडिडेट ऑफ सिफ साडे जे आ जदो कोई जोड़ लगे जट नु ओदे तेरी ओदो तेरी तोड़ लगे जट नु बस यू एग्री ऑफ एंड हु इज योर लीस्ट नहीं नहीं इसका फेवरेट रिया मैम है आफ्टर प्रिंस सर. अच्छा अच्छा ठीक है of course Princer is first second is Riya ma'am yeah ye vaashu bahut baar disagree kar raha hai tumhare answers se chhod jaane do to gadbad hai sir ji number wise rakho to first Princer second Riya ma'am third Gautam sir ye okay. Gautam sir aisa kuch nahi ki Gautam sir ke against kuch hai but कहीं ना कहीं गौतम सर उतना बॉन्ड नहीं बन पाया जितना बाकी दो गैंग मेंबर्स इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ था गौतम सर से. एंड प्लेइंग वाइज आपको कैसा लगा तीनों गैंग लीडर ने कैसा खेला? लाइक प्रिंस भाई तो ऑफ कोर्स प्रिंस भाई तो प्रिंस भाई है उन्हें तो सब चीज पता है कैसे क्या चलनी है गेम. अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी हद तक यह सीजन प्रिंस भाई ने ही हैंडल किया है बहुत सारी चीजें. एंड कहीं ना कहीं रिया मैम को देखा तो रिया मैम बहुत स्मार्ट खेली है. She is very smart. उन्होंने गेम इतनी जल्दी समझ लिया था स्टार्टिंग में लाइक मतलब सेकेंड थर्ड डे उन्हें गेम समझ आने स्टार्ट हो गई थी कि ऐसे डायनेमिक्स रखूंगी इसके साथ पहले अलायंस बनाऊंगी तो इससे बॉन्ड रहेगा. लाइक उन्होंने स्टार्टिंग में प्रिंस सर के गैंग मतलब हमारी गैंग से बॉन्ड बना लिया था स्टार्टिंग में गैंग गैंग ने तो उन्होंने भी गैंग लीडर से बॉन्ड बना लिया. तो वहाँ लाइक 50% उन्हें भी क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि टास्क में तू जा बाकी लोगों को इग्नोर करके कि शयान है मोगली है राजवीर उनकी जगह उन्होंने प्रायोरिटी मुझे दी कि तू जा करके आ. तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये करेगा बट अगर प्रिंस भाई ना होता जर्नी पर मैं आया तो कब का मेरा राम नाम हो गया. एक्चुअली रिया मैम ने भी बहुत अच्छा किया अपॉर्चुनिटी देके बिकॉज उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रिंस के गैंग में ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल तो यहाँ पर नहीं देते तो उसने इतना ट्रस्ट दिखाया रिया मैम ने हिम फॉर अ रीजन दैट्स अ बट टॉकिंग अबाउट द टिकट टू फिनाले टास्क डू यू थिंक इट वाज अ स्मार्ट डिसीजन टू सेंड द वुमेन इंस्टेड ऑफ द मेन बिकॉज़ गौतम सर के गैंग से देयर वर टू गाइस प्ले. आई एग्री विद द फैक्ट दैट यू ऑल आर एवरीबॉडी इज इक्वली स्ट्रांग बट देन स्टैमिना वाइज आल्सो लाइक डिड यू फील इट वाज समवेयर अनफेयर टू यू गाइस? नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लगा like, ऐसा अनफेयर नहीं लगा क्योंकि इफ यू सी द सेमीफिनाले का टास्क ना इट्स वेरी कट टू कट जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं था दैट दैट द नंबर इट्स ऑन द राइट साइड वी वर टिकट टू फिनाले या द नंबर वाज सेट ऑन द राइट साइड वी वर सेटिंग सेंटर में तो वो गलती की वजह से हम हार गए वरना टिकट टू फिनाले हमारे हाथ में होती. ओके बट डिड यू फील इट वाज फेयर टू पीयू बीइंग एलिमिनेटेड एट दैट स्टेज इन द गेम बिकॉज़ आई फील शी इज आल्सो शी इज स्ट्रांग या बट एट द अदर पॉइंट अगर ये सोचो कि अगर मैं गौतम सर के गैंग में होती और पीहू और मेरे बीच में चूज करना होता तो ऑफ कोर्स गौतम सर देखो तीनों गैंग लीडर ने एक-एक बंदे को प्रायोरिटी दी. गौतम सर ने पराक्रम को दी जबकि सचिन ने परफॉर्म किया टिकट टू फिनाले ज्यादा बेटर पूरा से अगर टिकट टू फिनाले करा सचिन ने कहीं ना कहीं 80% हाथ सचिन का था. दो पराक्रम इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बट उस दिन वो टास्क में सचिन ने बेटर परफॉर्म किया था तो कहीं ना कहीं उधर प्रायोरिटी मिली पराक्रम को. अब रिया मैम की गैंग में भी ऑफकोर्स तनु पल्लवी में तनु को मिली तो कहीं ना कहीं सबके एक बॉन्ड जो शो में अगर आप बॉन्ड बना के चल रहे हो तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है वो चीज. कीपिंग द मेल कंटेस्टेंट्स असाइड इफ यू हैव टू पिक द टॉप 5 वुमेन ऑफ दिस सीजन हु वुड यू पिक? फर्स्ट मी प्रियंका पीहू नायरा पल्लवी एंड नजिम. नजिम वाज आल्सो स्ट्रांग कहीं ना कहीं
And Vasu, according to you, who should have been your top five of the season? Me, Shivi, Prakram, Digvijay, Rishabh. लड़का लड़की मी शिवित वाशु दिग्विजय एक लड़की ले ले और प्रियंका सो यू फील प्रियंका इज मोर डिजर्विंग देन पीयू शी इज योर फ्रेंड बॉन्डिंग अच्छा आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर टास्क दैट मम्मी टास्क ओह लेट द गेम बिगिन It was so funny what Himanshu did. Like my, for me also his image completely changed. I was like, hey, what is he doing and why is he doing? I mean, being smart is one thing, but then it sometimes you become dumb in doing all of these. Like उसने कई कई जगह ये भी बोला है कि अगर मुझे लगता है कि मैंने foul नहीं किया तो मेरी दुनिया भी मेरे against रहेगी तो भी मैं अपने आप को मानूंगा मेरा point of view सही है. ये तो वो वाली बात होगी कि भाई दुनिया कुत्ती है मैं शेर हूँ मैं अपने आप को शेर मानता हूँ तो मतलब हूँ चाहे दुनिया मेरे को कुछ भी बोले वो तभी वो कह रहा था ना कि लोग आर्ग्यूमेंट में लॉजिक ढूंढते हैं वैसा वो टास्क में लॉजिक ढूंढ रहा था कि मम्मी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आई एम अ डेड बॉय एक्चुअली उसकी गलती पता क्या थी टास्क में बोला गया था मम्मी बनना है वो डैडी बन रहा था जो बोल गया ना वीडियो में तो मम्मी खड़ा कैसे रह सकते हैं बट टास्क है तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा तो हाँ. वो बहुत लॉजिक ढूंढ अगर आपने देखा होगा मैं दोनों बार गया था दोनों बार चुपचाप खड़े हुए थे और मैंने शिवेत के टाइम तो मैंने वॉक किया है वो क्लियर आया है जब क्योंकि वो प्रिंस सर की गैंग परफॉर्म कर रहे मैं तो वॉक करके चढ़ा हूं वो तो आया है क्लिप में अगर किसी को अभी भी कॉन्ट्रोवर्सी करनी है जाके देख लेना क्लिप उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी करना But I feel even Riya, ma'am, she lost her cool and I feel it was so funny. Not just Riya, ma'am. Sonu sir. Sonu sir. Production wale chilla rahe honge na. Production ka ek ek banda, 400 log production ke, light man, pani wale bhaiya, khane wale bhaiya, rasgulla khilane wale bhaiya, woh tak chilla rahe, khade ho ja. Aur kahin na kahin mujhe lag raha tha, usne 5 to kar diye foul. Kahin na kahin hum log ko aisa lag raha, 10 to kiye honge usne. उसकी भी थोड़ी इज्जत बचानी है 5 दे दिए बट कभी आपको ऐसा लगा किसी टास्क में दैट यू फेल्ट कि रिजल्ट्स अनफेयर थे यार मुझे लगा था यार टिकट टू फिनाले हां यार मुझे तो लगा था कि अनफेयर था क्यों कहीं ना कहीं क्योंकि अभी तो 2 मिनट पहले बोला अनफेयर नहीं लगा और अब लग रहा है अनफेयर मैंने ये नहीं बोला कि अनफेयर नहीं लगा मैं बोले हार गए क्योंकि वो लॉक नहीं खुल पाया उसकी वजह से बट टिकट टू फिनाले तो वो था ना जिसने पहले बना लिया Right? उसके पहले जो टास्क दो स्टेज था वो टास्क का फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे हम सब अलग 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 थे तो वो जो डिश वॉश का था जो हमें डिश वॉश करना था फिर जो मसाज करना था तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो आई वाज फीलिंग कि थोड़ा सा बायस हो रहा है बट स्टिल आई डोंट नो श्योर नहीं हूँ क्योंकि वी कुडंट सी देम एग्जैक्टली बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बायस मोस्टली आई थिंक मैनिपुलेट जब उन्हें करना होता है या मोस्टली मैनिपुलेट तब होता है जब कोई टाइम बेस्ड टास्क होता है जब कोई इम्पॉर्टेंट टास्क होता है तो यू ऑलवेज फील दैट इट्स टाइम बेस्ड सो दैट देयर इज दैट रूम ऑफ मैनिपुलेशन एमटीवी इज गोना क्रिएट बट ओके हु वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द शो फॉर यू गाइस मुझे गलत नहीं लगा वो चीज कोई भी क्योंकि आप गेम में यू हैव टू प्ले दैट गेम क्योंकि द गेम इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग Are calling you mastermind, I don't think it's a bad thing. Because even in shows like this, na, you have to manipulate people. You have to get those votes. So I think it's smart only and I think he played well, yeah. Even I feel so. Because his whole gang is following him. Yes. In gang, there are 8 people. 7 people are listening to Rishabh. So he has done something like that. That his gang is listening to him. हमारे गैंग में हमारे गैंग में हम एक दूसरे के लिए सुनते हैं एवरीबॉडी वांट्स
to show their personality, that's very difficult to even listen to somebody like that. क्योंकि हमारी गैंग में एक दूसरे की नहीं सुनते थे हम. वो ही होता था कि ना गौतम सर की गैंग में एक दूसरे की सुनते थे वो. प्रिंस गैंग में ऐसा होता था कि हम बैठेंगे बात करेंगे ओके ये मुझे नहीं हो रहा ओके ठीक है यू डू योर थिंग बिकॉज योर वी आर ऑफ कोर्स हम किसी का सुन के हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इट्स आल्सो गुड थिंग कि हम अपना अपना इंडिविजुअल स्टैंड लेते थे हमारे गैंग में. ऐसा नहीं था कि कोई हमारे गैंग में एक लीडर था कि हम उनकी ही सुनेंगे. ऐसा कोई नहीं था, सब अपने इंडिविजुअल पॉइंट रखते थे. बट कहीं ना कहीं जब ऋषभ ने बोला था कि अगर 8 के 8 लोग मेरी सुन रहे हैं तो छोटे बच्चे नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सही लगा कि उसने अपना पॉइंट ऐसा उसने अपना पॉइंट उतना कैसे तो रखा रहेगा कि उन लोग ने मतलब मैनिपुलेट किया रहेगा कि बात. एंड इट्स अ गुड थिंग. शुड वी डू लाइक अ रैपिड फायर? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बोथ ऑफ यू टू आंसर साइमल्टेनियसली. ओके. Yeah, ready? Okay. Who do you think is the most popular this season? Me. Shivi. Why Shivi? Of course, bhai, uski sabse zyada fan following, sabse zyada usne audience kamayi hai. Usko log ne sabse zyada pasand kiya. But do you think it's a positive audience or a negative audience? Positive, of course, uski cutter following hui hai. Okay. Who was completely different on screen and off screen? Pihu. Bhumika. Nia? No, I don't think so. Okay. You have to give me one word for every roadie's ka naam that I'm gonna say. Okay. Himanshu. Fake. Galti. I mean, she just called him on Galti. Okay. Prakram. Proud of you. Prakram. Sweet MMA fighter, not deadly. Silent killer. Okay, Shivit. Bhai Chara. Shivit. Dushman. Hamesha ladta tha mere se. Rishabh. Bhai hai. Abhi bhai hai. Smart player. Kyun mera kyun bol raha tu? Theek hai. Copy. Bhumika. Doja Cat sasti. सॉरी भूमिका, लेकिन ये मैं अकेला नहीं हूँ बोलने वाला, ये सब बोलते थे कैंप में. I'm hearing this for the first time. I'm literally hearing this for the first time. उसको सबने यही बोला है, शो पे भी आया ये क्लिप्स. भूमिका इज समवॉट जिनने फैशन लाया रोडीज में, जो हर बार एक फैशन अलग इंस्टा. हाँ, अलग अलग भेष में सचिन दोगला. प्रियंका. Performer. Support system. Tanu. Cute kid. Sweetest girl. Lekha. मेरे को पता ही नहीं कौन है वो, उसने तो मेरे को block मार के रखा है. She blocked you. हाँ. I don't know even why. क्या पता मैं जीत गया, पराक्रम ना जीता, इसलिए शायद तक होता है लोगों को यार. अगर मैं उसकी जगह शायद मैं भी होता तो मैं भी. लेखा मेरे साथ. इसलिए. So लेखा is a छोटा packet बड़ा धमाका. मुझे लेखा का कुछ नहीं पता. And सचिन ने भी मुझे block किया था. किया था. हाँ, अभी एक दिन मैंने उसको रैंडमली कुछ चीज के लिए कॉल किया था, तो उसके बाद उसने अनब्लॉक कर दिया. बोला है ये क्या है. नायरा. चबल 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 चबल. योर क्लोजेस्ट फ्रेंड. शिवित वाशु. योर क्लोजेस्ट फ्रेंड. आशिका शिवित. ओके. समवन यू डोंट वांट टू सी अगेन. हिमांशु. समवन हु शुडंट हैव बीन एलिमिनेटेड. दिग्विजय. आशिका. इसीलिए ये रोडीस अपने को प्रायोरिटी नहीं रख रही थी, किसी और पे रख रही थी, इसलिए वोट आउट हुई. गाइस, भगवान देखता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान को पता है, किसी और को नहीं. ओके. व्हाट्स फैशन सेंस? शयान. सचिन. फुटेज का भूखा भूखी. नायरा. कहीं ना कहीं पीऊ. ओके. The gutter mouth. बोलने की जरूरत है? उसका नाम बहुत रिपीट कर रहे हैं, आई डोंट नो. गटर माउथ. किसकी बात कर रहे हैं? पीहू. बहुत नाम बोलना उसको. Why do you feel that? क्योंकि I'll tell you one thing. उसका ऐसा था कि स्टार्टिंग में उसने मुद्दा उठाया था कि दैट प्रियंका ने मुझे गाली दी, और वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था.
And then next day she's doing the same thing. So I feel if you are doing the same thing, you don't have that point ki aap kisi aur ko point karo. If you are doing the same thing. So I feel she's kahin na kahin gutter mouth jo bahut gandha gaali de deti show mein. Normal gaali sab dete the ek time pe, but uska worst rehta tha. Apni unhe bahut gandi gandi gaali di hai. Bahut zyada gandi gandi gaali di hai. So yeah, she's a gutter mouth. Okay. Who was fake? Who was fake? Yeah. On the show, yeah. Bhumika. If you had to lock two people in a room. Two best friends. Himanshu people. They're best friends? Uh-huh. Or this is sarcasm? No, they are best friends. Yeah. If you had to lock two people in a room. Shivet Naira. This is a popular answer. Mazak kar raha bhai. Actually, Himanshu and PU. Worst thing somebody has said about you or to you on the internet. तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ देख लिया और रोने लगे भाई मेरे सीजन में तो क्या क्या जा रहा था इंटरनेट पे. नहीं मुझे तो पता था ना कि अभी गाली देंगे बाद में ताली बजाएंगे. दो तीन बार हुआ है. जोगिंदर वॉज टॉकिंग शिट अबाउट मी दैट टाइम और बहुत बहुत मेरे फैमिली के बारे में बोला है, मेरे बारे में बोला है. एंड ज्यादा बुरा लगा कि सचिन एंड पराक्रम वॉज सपोर्टिंग देम एंड हिमांशु ने अपने ब्रॉडकास्ट पे जो मैसेज डाला था आई फेल्ट बैड. कि आशिका चीटर ऑन मी, आशिका का ये असलियत है. असलियत व्हाट द असलियत, वी वर नॉट इवन डेटिंग. और उसको ऐसा लगा जो वो ही सेम थिंग दैट शिवित का क्लिप उसने वो अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल दिया एंड शी इज लाइक कि यही असलियत के बारे में मैं बात कर रहा था एंड ऑल दैट बुलशिट. सो आई फेल्ट रियली बैड क्योंकि मैंने ऐसा कभी हिमांशु के बारे में कुछ किया नहीं है ना. मैंने कभी हिमांशु के पास किसी और के पास जाकर हिमांशु के बारे में बैक बचिंग किया ऐसा भी नहीं किया. बट इफ व्हाटएवर देयर वाज बिटवीन टू ऑफ यू, इफ ही गेट्स टू नो समडे दैट यू आर डेटिंग समबडी एल्स, ऑफ कोर्स ही फील. बट आई एम नॉट डेटिंग ना, दैट्स द रीजन. यू गाइस वर नॉट डेटिंग इन द शो. एंड द थिंग वाज कि अगर आई फील कि हर चीज सोशल मीडिया में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई एक पर्सनल चीज भी हो सकती है. So if अगर so कुछ doubt भी आता that me and him are dating, like उसने एक जगह ये भी बोला है, उसने एक जगह शायद एक ये भी बोला है कि यार वो मेरा broadcast है, मैं जो डालना चाहूँ वो मेरी family है. लेकिन भाई जो अगर उसमें 8-10,000 लोग हैं तो 8-10,000 लोग तुम्हारी family होगे, वो 8-10,000 और किसी की भी family है. वो दिमाग मुझे एक बहुत childish लगा. थोड़ा 21 साल का है ना अभी. Who was too good for the show? I feel Digvijay. He uska intention was very pure but hum samajh nahi paaye. He was good for the show. Matlab uske andar ek hunger thi ki wo show karna chahta exactly. hai. Matlab ek bar Prince bhai ne bola tha kabhi kisi aise ko mat nikal do ki yaar jinhone sapna dekha hai wo show dekha. Jaise mere vote.out pe hua tha, jaise mere vote.out pe bola tha bhai kabhi kisi aise ko mat nikal do jisko is cheez ki hunger hai. To kahin na kahin usko bhi us cheez ki hunger thi. Your relationship status? Single. Okay. Your sexiest feature? Everything. Vashu? Everything. ये बंदा कॉपी करने वाला. तो पहले मेरे से पूछ. नहीं नहीं वाला. One thing you want. You can ask this one. Opposite कर सकते हो. Oh yeah. What do you think is her sexiest feature? मेरे से पूछते हैं. No. Eyes. And abs. Everything. One thing you want to change about yourself? Nothing. You? My anger. One thing you want to change in your journey? Change in my journey, starting a task. My connection with Himanshu. You would want to erase it? Yeah. Okay. Erase karne se to finale mein hoti. Okay. What is the one thing you love about each other? To matlab iske paas rehta ho to happiness aati hai, khush rehta ho. And he is very caring. Yeah. And wo mujhe cheeze samjhata hai. बहुत कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ चीज़ मुझे नहीं समझ रही या कुछ चीज़ मुझे बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी वो इंस्टाग्राम पे बहुत हो गया था बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे रिलेटेड बहुत नेगेटिव कमेंट्स. ही वाज़ देयर फॉर मी. वन थिंग यू हेट अबाउट ईच अदर? ये टाइम की पक्की नहीं है. ये इंसान को पका देगी, तड़पा देगी, इंसान ज़मीन पर आ जाएगा आसमान से, लेकिन ये नहीं आएगी. यू स्पेस नहीं नहीं
पूरे टाइम कॉल 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 कॉल, मैं काम पे रहती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, कॉल क्या करी क्या, मैं बोली रुक जा, अभी भी इवनिंग को ये हुआ था, लाइक मैं कॉल नहीं उठा रही थी इवनिंग में, मैं इसलिए कॉल कर रहा था आपकी वजह से। हाँ बट मैंने इवनिंग में इसकी वजह से कॉल कर रहा था कि ये मेरे को प्रॉमिस करी थी मैं 5 बजे घर पहुंच जाऊंगी, जिम जाएंगे, जिम के बाद इसको पॉडकास्ट पे आएंगे, लेकिन मैंने एक बार उसको बोल दिया कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ जाऊंगी, कॉलिंग कॉलिंग। अब मैं रीजन बता रहा हूँ इसको, मैं बार बार कॉल क्यों करता हूँ, क्योंकि ये ना फोन उठाएंगे, हाँ मैं उठ रही हूँ, मतलब उठ बेड से पहले उठ, हाँ उठ रहे उठ रहे उठ रहे, हाँ अब तो उठ ही गई हूँ, ठीक है फोन काटा। बेसिकली मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे बार बार पोक करे, एक पोक चीज मैंने बोल दिया कि हर 2 मिनट में सो जाती, कॉल काटा सो गई, जो भी है मुझे सब नहीं पसंद, मैं बोली ठीक है मुझे आज आपका पॉडकास्ट नहीं होता ये, मैं अकेले आता अगर इसको मैं कॉल पे कॉल ना किया होता, नहीं ऐसा नहीं, मैं उठ जाती, व्हिच मेड इट बिकॉज़ ऑफ मी, द अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, यू हैव टू पिक 3 पीपल, ओके ओके, फॉर किल मैरी एंड होप, ओके फ्रॉम रूनीस, या नो व्हाट यू कैन डू इज वी कैन मेक यू राइट योर आंसर्स सो यू ऑल कैन लाइक नॉट चेंज आफ्टर ईच अदर, ओके है ना, पेपर का बजट नहीं है गाइस तो फोन पे लिखवा रहे हैं, डोंट जज आ गाइस, लाइक ये तो मेरे एकदम रैंडम हाइपोथेटिकल, हां चेंज मत करना गाइस, नहीं मेरे रेडी, ओके किल हिमांशु, हिमांशु मैरी आशिका, मैरी अनमोल, अबे मैंने इसलिए बोला कि भाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई जिंदगी में कुछ भी कर लो सब इससे बेटर है किसी से शादी करने का ऑप्शन हो बेस्ट फ्रेंड से कर लो, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन होता है, सेफ ऑप्शन होता है बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो, अनमोल इज अ वेरी स्वीट पर्सन और बहुत एक दिन मिले हैं, एक दिन भी अच्छे से नहीं मिले हैं, बट देन वो एक दिन भी अच्छे से नहीं मिले, बिग हेयर क्या, नहीं नहीं दैट वाज नॉट, आया था और वापस घर चला गया, बैटल ग्राउंड से आया था, सेलेक्ट नहीं हुआ, वो सीजन में नहीं दिखा, बस एपिसोड में आया था कि आया है तो उसको वोट आउट करके निकाल दिया, तो ही कैन आल्सो ट्राई फॉर नेक्स्ट सीजन, जो आकृति के साथ आया, हां हां ओके हुक अप, मैंने तो माय सेल्फ लिख दिया, यू कांट हुक अप विद योरसेल्फ, यस आई कैन, नो दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ प्लेजर, आई कैन, मैं भी हुक अप नहीं बोल रहा, यू हैव, ही हैव टू राइट, ही शी रोट अ आंसर फॉर यू आल्सो हैव टू राइट, यार गैंग लीडर नहीं, आर यू सीरियस, रिया मैम आप देख रहे हो, नो नो ही वाज टू हुक अप विद प्रिंस सर, मैं मेरे से कुश्ती ना होगा, मेरे से कुश्ती नहीं होगा, जल्दी मैं इसका आंसर गेस कर सकती हूँ, इसने क्या लिखा होगा, हाँ मे बी आकृति, आकृति, तो फाइनली वी जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर द शो, वेयर आर यू हेडेड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, आफ्टर द शो यार जीतने के बाद ना सुकून मिल गया है, ये सुकून की तड़प हो रही थी 3 साल से मुंबई में, तो अभी थोड़ा टाइम चिल रिलैक्स चल रहा था जब तक शो चल रहा था, शो खत्म हो गया, अब फोकस है आगे के, अगर आगे कोई रियलिटी शो और आए तो उसमें भी देख सकते हैं हम, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर रियलिटी शो यू वांट टू डू, लाइक आई वांटेड फॉर बिग बॉस चाहता था मैं, बट इस साल कहीं ना कहीं उसके लिए मैं खुद अप्रोच नहीं कर पाया, बट उसके अलावा भी और शोज है लाइक लॉक अप एंड स्प्लिट्स, या ओके, सो आई वांट टू ट्राई फॉर खतरों के खिलाड़ी एंड स्प्लिट्स बिकॉज़ वो मेरा एक पसंद है, इस साल नहीं है खतरों के खिलाड़ी, हो गया है, अरे मैं बोल रही हूं ना आई वांट ऐसे अगले साल, तो सो बिशांत तेरा हो गया टाइम, एंड देन मुझे मेरे स्पोर्ट्स में कुछ और बढ़िया करना है, या आई वांट टू टेक माय स्पोर्ट्स टू एन अनदर लेवल गाइस, इस पॉडकास्ट को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि साक्षी भी बोले कि भाई अगली बार इन्हें ही बुलाना है और किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें ही बुलाना है, नेक्स्ट टाइम साक्षी 9 का टाइम होगा तो 6 बजे के 6 बजे आना, बट कोई बात नहीं गाइस, आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड मैंने इतने ज्यादा लोगों के साथ नहीं किया इंटरव्यूज, जस्ट अ वेरी फ्यू पीपल, and you all were really fun to speak to, मुझे बहुत सारी gossip भी मिली है, and thank you so much for taking out the time and coming here and being in this video, and I really really wish you guys all the best, thank you, do better
and spread love. That's not hate. Not hate. Spread love. And that's it for this video, guys. Hope you liked it. Please tell us in the comment section and like, share, and subscribe. Kar do bhai. Bye bye.